पठान ने 4 दिन में कमा लिए 400 करोड़, इंडिया में कमा लिए 200 करोड़। क्या कोई और मूवी भी ऐसी है कि भाई जो इतना अच्छा कभी कर पाई थी? बिल्कुल है, KGF 2 ने भाई 4 दिन में सिर्फ इंडिया में ही 380 करोड़ के आसपास की कमाई कर ली थी। सब बात कर रहे हैं कि भाई पठान ने 4 दिन में सबसे पहले 200 करोड़ किए, लेकिन वो कैसे? देखो भाई, हर कई लोग वर्ड से खेलते हैं। पठान ने सिर्फ हिंदी लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो वहाँ पे वो 200 करोड़ से पार है, और KGF की अगर बात की जाए वो 193 के आसपास थी। अब वही है ना कि भाई जो KGF 2 था वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा वाली साइड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वहीं पे जो पठान है वो काफ़ी एवरेज जा रही है, मतलब 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ इसी लेवल पे रह रही है, क्योंकि साउथ में उस लेवल पे ये परफॉर्म नहीं कर रही, जहां अगर देखा जाए हिंदी लैंग्वेज में तो KGF 2 से अच्छा परफॉर्म ये कर रही है। अगर बात की जाए पठान के फोर्थ डे की कलेक्शन की, तो भाई उसने 53 करोड़ के आसपास की कमाई की है, जो कि बहुत बड़ी बात है चौथे दिन की कलेक्शन के हिसाब से। अब बात करते हैं क्या पठान इंडिया की सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी बन पाएगी। देखो, अगर अभी की बात की जाए तो इंडिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी है दंगल, जिसने 2000 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया था। दंगल ने इंडिया में सिर्फ 387 करोड़ के आसपास की कमाई की थी, पर अगर हम वहीं देखें उसका फॉरेन बिजनेस वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आपको पता है आमिर खान की जो पॉपुलैरिटी है वो चाइना में बहुत ज़्यादा है, उनकी मूवी चाइना में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। आफ्टर थ्री इडियट्स उनकी इमेज ऐसी क्रिएट हो गई है कि उनकी कुछ मूवीज़ जैसे सीक्रेट सुपरस्टार थी वो इंडिया में उस लेवल पे नहीं चली, लेकिन जब वो चाइना में गई तो वो 1000 करोड़ के आसपास पहुंच गई थी उसकी कलेक्शन। तो यही है कि वो दंगल बहुत ज़्यादा वहाँ पे परफॉर्म की, इंडिया में उसने 380-390 के आसपास किया था, लेकिन अभी वो इंडिया की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली मूवी है। उसके बाद आती है बाहुबली 2। बाहुबली 2 भी 2000 करोड़ के आसपास है, लेकिन थोड़ा सा कम है दंगल से। उसने इंडिया में ही 1000 से 1100 करोड़ की कमाई की थी, जो कि बहुत बड़ी बात थी किसी भी मूवी के लिए, सिर्फ इंडिया में 1000 करोड़ पार करना, जो कि आज तक कोई और मूवी नहीं कर पाई है। तो अगर सिर्फ हम इंडियन कलेक्शन की बात करें तो जो बाहुबली 2 थी वो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बन जाती है। जो KGF 2 है उसने, अगर हम उसकी पूरी कलेक्शन देखें वर्ल्ड वाइड, तो उसकी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 1100 से 1200 करोड़ के आसपास। तो क्या पठान यहाँ तक पहुँच पाएगी? क्योंकि अभी तक तो जो ट्रेंड चल रहा है कि सिर्फ 4 दिन में 400 करोड़ हो गए हैं, मगर अगर देखा जाए तो वैसे KGF 2 का अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो वो 500 करोड़ के पार थी 4 दिन में, वहीं पठान 450-450 करोड़ के आसपास होगी। देखो, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, डिपेंड इस चीज़ पे करेगा कि मंडे ऑनवर्ड्स जब वर्किंग डे होंगे, छुट्टी नहीं होगी, तब पठान कैसा परफॉर्म करती है। देखो, देखने में तो ये लग रहा है कि ये मूवी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन बाहुबली 2 के या फिर दंगल के तक पहुंचना वो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। अगर आप कहो कि बाहुबली 2 की जो सिर्फ इंडियन कलेक्शन है जैसे 1100-1100 करोड़ के आसपास, वहां तक पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि ठीक है अच्छा कमा रही है, 60-70 करोड़ एक दिन में आ रहे हैं, लेकिन ये ट्रेंड बहुत लंबा लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्योंकि देखो ना, पठान जो साउथ में है वो काफ़ी एवरेज चल रही है, वहाँ पे इस मूवी को उस लेवल पे नहीं देखा जा रहा जो हिंदी में देखा जा रहा है। अगर सेम कलेक्शन साउथ वाली साइड भी हो रही होती तो मैं कह सकता था कि भाई जो बाहुबली 2 का रिकॉर्ड है 1030 करोड़ का, वो शायद ये तोड़ देती, लेकिन अभी मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से ये उस तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 1000 करोड़ इसका बनना बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, और शायद KGF 2 की जो लाइफ टाइम है वो ये क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि वो 1100-1200 करोड़ के आसपास है और 400 करोड़ ये 4 दिन में पहुंच गई है। तो बाहर भी ये अच्छा परफॉर्म कर रही है, इंडिया में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो बिल्कुल एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये KGF 2 की लाइफ टाइम कलेक्शन को पार कर जाए। बाकी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए डू सब्सक्राइब रिव्यूज़ विद रूपम। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। दिस इज़ रूपम शर्मा साइनिंग ऑफ। जय भोले।